ओम शांति। आज की तारीख है 16/1/23 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं मीठे बच्चे जितना जितना दूसरों को ज्ञान सुनाएंगे उतना तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान रिफाइन होता जाएगा, इसलिए सर्विस जरूर करनी है। प्रश्न है, बाप के पास दो प्रकार के बच्चे हैं, कौन से? उन दोनों में अंतर क्या है? उत्तर है, बाप के पास एक है लगे सौतेले बच्चे, दूसरे हैं सगे मातेले बच्चे। लगे बच्चे मुख से सिर्फ बाबा मम्मा कहते, लेकिन श्री मत पर पूरा पूरा चल नहीं सकते, पूरा पूरा बलिहार नहीं जाते। सगे बच्चे तो तन मन धन से पूर्ण समर्पण अर्थात ट्रस्टी होते हैं, कदम कदम श्री मत पर चलते हैं। लगे बच्चे सेवा न करने के कारण चलते चलते गिर पड़ते हैं, संशय आ जाता है। सगे बच्चे पूरा निश्चय बुद्धि होते हैं। गीत बजा है, बचपन के दिन भुला न देना। धारणा के लिए मुख्य सार के दो धारणा बिंदु। नंबर एक, अविनाशी ज्ञान रत्नों का महादानी बनना है। तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। नंबर दो, कोई भी डिस्ट्रक्टिव यानी विनाशकारी कार्य नहीं करना है, निरंतर याद के अभ्यास में रहना है। वरदान सतगुरु शिव पिता का एक रस और निरंतर खुशी की अनुभूति के द्वारा नंबर वन लेने वाले अखूट खजानों से संपन्न भव। बाबा कहते हैं, नंबर वन में आने के लिए एक रस और निरंतर खुशी की अनुभूति करते रहो, किसी भी झमेले में नहीं जाओ। झमेले में जाने से खुशी का झूला ढीला हो जाता है, फिर तेज नहीं झूल सकते। इसीलिए सदा और एक रस खुशी के झूले में झूलते रहो। बाप दादा द्वारा सभी बच्चों को अविनाशी अखूट और बेहद का खजाना मिलता है, तो सदा उन खजानों की प्राप्ति में एक रस और संपन्न हो। संगम युग की विशेषता है अनुभव, इस युग की विशेषता का लाभ उठाओ। स्लोगन है, मनसा महादानी बनना है तो रूहानी स्थिति में सदा स्थित रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।